नसरीन। हाँ नसरीन बोलो। मजे है भाई, होने वाली मियाँ के साथ शॉपिंग हो रही है। तुम्हें किसने बताया? तेरे घर गई थी आंटी ने बताया। सुना है वो चुड़ैल भी तेरे साथ है? अरे आहिस्ता बोलो, साथ ही हैं। जी मुंशी जी, सलाम। जी 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 बताए। अरे नहीं नहीं, उसे ना हमने ऐसे बांध के रखा हुआ है। अच्छा सुन, मैं ना बाद में बात करती हूँ, ये ना हो कि मेरे पीछे से शम से ना वो चिकनी चुपड़ी बातें करना शुरू करते हैं। चल सही है, बाय। वैसे आपका शौहर एक मिनट के लिए भी आपकी नजरों से गुम हो, कितनी घबराहट होती है ना, होती है ना। तो तुम्हें क्यों होगी, तुम्हें तो पता है कि दानियाल भाई लंदन में है। खैर ये देखिए तुमने सूरत है ना, वैसे तो शम्स ने ना मुझे बहुत सारे तोहफे दिए, लेकिन सबसे महंगा जो तोहफा था वो ये था। वैसे ना उसे वो बहुत प्यार करने लगे हैं। मेरी पर्सनैलिटी कुछ ऐसी है, जो भी मुझसे मिलता है ना वो मेरा फैन हो जाता है। शम्स उनकी तो बात ही अलग है। आप आ गए? हाँ, वो मुंशी जी के हिसाब का मसला था, अगर खा लिया तो चले। नहीं थोड़ा सा, वैसे ना बिल्कुल अच्छी नहीं है, अम्मी ज़्यादा अच्छी बनाती हैं। हम दोनों आइसक्रीम खाए चलते हैं।